हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। और ये वही है, मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी और एक शॉर्ट्स भी डाला था जो इसी के बारे में था कि हमारे हिबिस्कस पे अगर कलियां नहीं आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसी के नेक्स्ट में अभी आप देखें इस पर कितनी सारी कलियाँ आ रखी हैं और इसका साइज़ भी आप देखेंगे कि सफिशेंट बड़ा है इसका साइज़। अभी आप देखिए, अब ये जो फूल है ये कल खिलेगा और ये भी इस पर कलियाँ हैं बाकी। जैसे ये फूल आप देख रहे हैं ये आज खिला है सुबह, अब कल जो नंबर आएगा वो इस वाले इस कली का आएगा, ये कल खिलेगा। फिर ऐसे ही ये परसों और ये फिर नेक्स्ट डे। तो ये चूँकि इसमें एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, हिबिस्कस में अगर आपका फूल का साइज़ बड़ा है तो फूल का साइज़ बड़ा होने में क्या रहता है कि वो लगातार उतने फूल खिलना, क्योंकि जो सिंगल पेटल होता है ना, सिंगल पेटल तो एक दिन में खिल जाते हैं, लेकिन डबल पेटल या इस तरह के पेटल्स में जो फ्लावर्स आते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं खिलने के लिए। तो उसके क्योंकि इसमें एक दिन में मतलब वो एक फूल खिलने के बाद दूसरा फूल खिल नहीं पाता है उसका, तो ये मैंने देखा है, ऑब्जर्व भी किया है। तो कुछ दिन पहले तक इसमें भी कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने उसमें तीन आइटम आपको ऐड करने हैं इसके लिए। उसमें आपको एक गमले में आपको आधा चम्मच पोटाश और आधा चम्मच आपको लेना है आपको बोन मील और हाफ टीस्पून आपको लेना है रॉक सल्फेट, ये जो रॉक सल्फेट जो आता है। तो तीन आइटम ये आधा आधा चम्मच मिला के आपको ये गमले में देना होता है। तो उसके करीबन आप देखेंगे कि करीबन 15 से 20 दिन लगते हैं इसको, इतनी कलियाँ आए हमें। तो ये मैंने मिक्सचर बना के इसको एक साथ दिया था, आज से करीबन इसको हो गए हैं 25 डेज़ पहले। 25 डेज़ के बाद में इस पर कली आनी शुरू हुई, अप्रोक्सीमेटली 10 डेज़ ये 15 डेज़ पहले कली आके शुरू हुई थी, बहुत छोटे छोटे साइज़ की इस टाइप से। लेकिन चूँकि डबल पेटल वाला है तो कली आने से और खिलने तक में भी इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है छोटा। और एक मैं आपको एक और दिखाता हूँ वीडियो आपकी, जिसमें वो सिंगल पेटल वाला है, उसमें क्या होता है कि आपकी एक ही दिन में आपकी कई कलियाँ खिल सकती हैं। तो उसमें भी आपको अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि उसमें क्या अपडेट रहता है। लेकिन ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है और इसको आप भी यूज़ करेंगे तो आपको तीनों चीज़ एक साथ डालनी है, तो आपको निश्चित ही आपके विद इन 20 to 25 डेज आपकी बडिंग स्टार्ट हो जाती है। आप इसको ज़रूर आजमाएं और इसको जैसे और भी दिखाएं, इसमें ये भी जैसे कलियाँ आ रही है और पहले इस पर एक भी कली नहीं आ रही थी। तो आप इसको एक बार ज़रूर आजमाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपने ये करने के बाद में आपको बेनिफिट मिला है नहीं मिला है। अभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आप अभी दूसरा दिखाता हूँ कि दूसरे में किस तरह का मेरे पास में है। हालांकि उसमें मैंने नींद डाला था तो उसमें तो वैसे ही कली आ रही थी, लेकिन इसमें आपको दो तीन चीज़ देखनी पड़ती है कि आपको फ्लावरिंग लेने के लिए, एक तो आपको थोड़ा फ्लावर का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होना, मतलब आपके पोट्स कह रहा हूँ जो आपका फ्लावर की जो एज है वो थोड़ा होनी चाहिए, मतलब कम से कम 1-1.5 साल का फ्लावर आपको होना चाहिए तभी वो इतने फूल दे पाएगा। वो छोटे फ्लावर्स में एक्चुअली आप इसका तना देखेंगे, स्टेम देखेंगे इसके, ये तो स्टेम नहीं है, तो मैंने ऐसे सपोर्ट के लगाया हुआ है, तो पीछे वाली ये इसकी स्टेम है नीचे, तो ये भी इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। गुड़ाई करते एक्चुअली हिबिस्कस में स्पेशली क्या करते हैं, गुड़ाई करते हैं, ये शौक में चला जाता है, तो गुड़ाई आप हिबिस्कस की ना करें, बाकी आप सब अपने फ्लावर्स ही कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं जैसे अपनी इसकी कितनी बड़ी है, अभी आपको एक काम और करना होगा, जैसे आप जी ये फूल खिले हैं तीन इसमें, तो रात के टाइम जब ये पूरे मुरझा जाएंगे तो आपको इन तीनों को तोड़ देना है। अगर आप इनको नहीं तोड़ेंगे तो एक थोड़ी सी एनर्जी अपनी इनको तोड़ने में, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से फिर ये पॉइंट सूखेगा, फिर ये अपना आप गिराता है इसको इस पॉइंट से। तो अगर आप इसको खुद से तोड़ देते हैं पूरा दिन खिलने के बाद में, तो फिर क्या करता है उसकी थोड़ी एनर्जी बच जाती है और फिर वो अपनी उस एनर्जी को अगले दिन दूसरे फूलों को खिलाने में लगाता है। जैसे अभी आज तीन खिल चुके हैं तो आपको तीन को रात तोड़ देना, तो फिर अगले दिन 1, 2 और 3 ये फूल कल खिल जाएंगे। तो ये पूरी वीडियो केवल हिबिस्कस के बारे में थी, आपको कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे, थैंक यू।